एक बार इसे पुनः आप रिपीट कर दे, जो आपका एसओ है उसको डालने का उपयुक्त समय आ चुका है जी, और जब आ चुका नहीं, आने वाला है, जब आपकी हाफ इंच पत्ती आ जाए नीचे में जी पत्तियां, तब आपको 4 लीटर एसओ समर ऑयल करना है। टीएसओ अब नहीं पड़ेगा जी, वो विंटर का काम था, अब समर का काम चालू होगा। उसके साथ अगर आपकी स्केल की प्रॉब्लम है या आपके माइट ज्यादा आती है तो आप उसमें आपके इंसेक्टिसाइड ऐड कर सकते हैं। और कई लोगों के वुलियाफिट की प्रॉब्लम आती है जी, अगर वुलियाफिट की प्रॉब्लम है तो आप थायोमेथोक्सोम या क्लोरोफोरिफॉस जो भी आपको अवेलेबल होता है उसको इंसेक्टिसाइड को डाल के आप पूरे उसको किल कर सकते हैं। कुछ लोग नेचुरल वे में या ऑर्गेनिक वे में किल करते हैं, तो आपको नीम ऑयल की स्प्रे आप उसके साथ मिक्सअप कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी समर ऑयल की स्प्रे आती है वो आपकी लगभग पी नट साइज के आसपास आती है okay. क्योंकि जो यहां से बच जाएंगे अंडे माइट के या किसी और चीज के स्केल के वो वहां पर किल करेगी, वो 2 लीटर की स्प्रे पड़ेगी जी। और ये 2 टाइम होता है समर ऑयल, आप 2 बार जरूर इसकी स्प्रे करें। मतलब अभी पहले 4 लीटर फिर 2 लीटर फिर 2 लीटर ओके। इस तरीके से आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, इसमें ज्यादा फर्क नहीं आता इस साल और अगले साल जी। ये रेगुलर यही रहना है, तो मतलब बागवान इतना ना परेशान हो कि अगले साल कुछ नहीं आएगा, अगले साल कुछ नहीं आएगा। कुछ लोग अब पीजीआर भी कर रहे हैं, तो अगर आप पीजीआर इस्तेमाल करते हैं और वो जेन्युइन है तभी आप उसको डालें, नहीं तो वो एडवर्स इफेक्ट डालेगा आपके प्लांट की हेल्थ पे। तो जो पीजीआर का इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप बिल्कुल, वो तो फ्लावर पे पड़ता है, क्योंकि अगर आपको लगेगा या फार्मर की डिमांड होगी, आपके पास क्वेश्चन आएंगे, तो उस पर पीजीआर पे भी एक वीडियो बन सकती है बाद में, वो फ्लावर टाइम में बनेगी फिर। अच्छा, मुझे एक मैं ये ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ कि जो पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिसे हम कहते हैं, पांचता जी, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है, नेगेटिव क्या है, थोड़ा सा हम ये बाकी इस पे डिटेल्स में हम फिर आपसे बात करेंगे। बिल्कुल।